हेलो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है लिम्फोमा। तो आइए जानते हैं लिम्फोमा क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लिम्फोमा क्या है। लिम्फोमा इज द एंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मींस अबनॉर्मल ग्रोथ। इट इज द अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट इज द मैलिग्नेंट डिसीजेज। ये कैसी है? एक टाइप की मैलिग्नेंट डिसीजेज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। जो इसके टाइप्स है लिम्फोमा, आपका दो टाइप हो सकता है, हॉटकिंस एंड नंबर टू इज द नॉन हॉटकिंस टाइप ऑफ लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोमा। तो आइए देखते हैं कि हॉटकिन लिम्फोमा के फीचर्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रीड स्टनबर्ग सेल, द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टनबर्ग सेल। जब हम लिम्फ नोड्स की एफएनईसी करवाते हैं, बायोप्सी कराते हैं, जब हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहां पर हमें लार्ज टाइप के कुछ सेल नजर आते हैं। उन सेल का नाम होता है रीड स्टनबर्ग सेल एंड इट इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हॉटकिन लिम्फोमा। रीड स्टनबर्ग सेल्स आपके नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में नहीं मिलते। तो जब भी हम एफएनईसी करवाते हैं या बायोप्सी करवाते हैं तो हम रीड स्टनबर्ग सेल्स को जरूर देखते हैं कि ये कहीं लिम्फोमा तो नहीं है। लिम्फोमा है तो हॉटकिंस है या आपका नॉन हॉटकिंस है। तो अब जानते हैं इसके साइंस। सबसे पहला साइन इसका लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, तो वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, उनका एनलार्जमेंट होना। एनलार्जमेंट के साथ साथ उन लिम्फ नोड्स के भी सम फीचर्स हैं। वैसे तो किसी भी इन्फेक्शन में, ट्यूबरक्लोसिस में भी समटाइम आपके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, लेकिन जब हॉटकिन लिम्फोमा की बात करें, हॉटकिन लिम्फोमा में जब आपके लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। उन स्पेसिफिक फीचर्स को आप याद कर सकते हो डॉक्टर प्लीज, DRPLS, डॉक्टर प्लीज से आप लिम्फ नोड एनलार्जमेंट ऑफ हॉटकिन लिम्फोमा के जो फीचर्स हैं उनको याद कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इज ऑफ हिस्ट्रिक टाइप, ठीक है। नंबर टू रबरी, जब आप इसको छू के देखोगे तो रबर के टाइप का लगेगा, एक होता है सॉलिड जो दबते नहीं है और यहां पर कैसा होगा रबरी। जब दबाओगे तो आपको लगेगा जैसे आप जो रबर यूज करते हो बिल्कुल वैसा इसका अपेयरेंस आएगा। पेनलेस, जब आप दबाओगे तो उस पेशेंट को दर्द नहीं होगा। जब उस लिम्फ नोड जो आपके लिम्फ जो उस पेशेंट के लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए जैसे उनको प्रेस करेंगे, नंबर वन फीचर है रबरी, नंबर थ्री फीचर है पेनलेस, उनको दर्द नहीं होगा और यूजली लार्ज होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सुपरफिशियल, मतलब ये जस्ट सुपरफिशियल होंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं होंगे। तो हल्के हल्के भी इस तरह से आप इनको छूओगे, टच करोगे, जो पेशेंट होगा आप उसको जब देखोगे तो रबरी सा महसूस होगा प्लस पेनलेस। होरे साइज में कैसे होंगे? लार्ज होंगे और ये सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब जस्ट स्किन के ऊपर आपको दिख जाएंगे, अंदर के साथ ज्यादा डीप नहीं होते हैं। तो हॉटकिन लिम्फोमा में जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होते हैं उसके मैंने 5 फीचर्स बता दिए। 5 फीचर्स आप डॉक्टर प्लीज निमोनिक से आप याद कर सकते हो, DRPLS से याद कर सकते हो। इसके सम और फीचर है नंबर टू इज वेट लॉस। नंबर वन क्या था? लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। नंबर टू है वेट लॉस। जब भी लिम्फोमा होता है तो वेट लॉस होता ही होता है, क्योंकि लिम्फोमा के केस में पेशेंट को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट के से उसका क्या हो जाता है? वेट लॉस। नंबर थ्री फीवर। जो फीवर है हो सकता है वो इन्फेक्शन के साथ आए या इन्फेक्शन के बिना आए, तो उस पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। नंबर फोर इज स्प्लीनोमिगैली एंड हिपेटोमिगैली, मतलब स्प्लीन का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, बड़ा हुआ होगा, और हिपेटिक मतलब जो लीवर का साइज होगा वो भी एनलार्ज होगा। और आपको साथ साथ जो पेशेंट है उसके कुछ
साइंस आपको देखने चाहिए लिम्फ और वेट लॉस लीवर को छोड़कर, वो है उसको कोई लंग की बीमारी तो नहीं है। लंग की बीमारी में भी खास तौर पे ल्यूरल इफ्यूजन तो नहीं है उसे कहीं, या उसको हड्डियों में दर्द तो नहीं है, और स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन तो नहीं है उसको, ठीक है। यदि लंग डिसीज है, बोन पेन है, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, तो होडकिन लिम्फोमा का जो प्रोग्नोसिस होता है वो कैसा होगा, वो होगा पुअर। यदि उसको लंग डिसीज भी है, बोन पेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन भी है, जो रेयर होते हैं, तो उस टाइम से उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है, ठीक है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। यदि उसको ये सब साइन नहीं है, एडिशनल साइन नहीं है, तो हो सकता है कि उसका लिम्फोमा काफी हद तक कीमोथेरेपी से, अदर ड्रग से ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन होडकिन लिम्फोमा की। जब नॉन होडकिन लिम्फोमा को हम देखते हैं, तो नॉन होडकिन लिम्फोमा में रीड स्टनबर्ग सेल्स नहीं होते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम देखते हैं कि उसको सम सिम्टम है जो लिम्फोमा को मैच कर रहे हैं, ठीक है, हमने FNAC बायोप्सी करवाया, जो वहां की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि वहां पर क्या है, रीड स्टनबर्ग सेल इज अब्सेंट, तो हम समझ जाएंगे कि उसको नॉन होडकिन लिम्फोमा है, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ रीड स्टनबर्ग सेल इज द फीचर ऑफ नॉन होडकिन्स टाइप ऑफ लिम्फोमा। अब इसका हम साइन देखें, साइन सिम्टम देखें, इसका सबसे पहला क्या है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, क्योंकि लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, तो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट तो हो गई होगा। मोर देन वन साइट, एक से ज्यादा साइट्स में, यहां पर क्या था, डिस्क्रीट, तो यहां पर क्या है, मोर देन वन साइट मतलब एक से ज्यादा साइट्स में जो लिम्फ नोड्स है वो अफेक्टेड होंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिम्फ नोड अफेक्टेड होंगे। और जो मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड्स हैं वो है आपके वायलेट रिंग, कहाँ होती है ये, माउथ में, जो माउथ में जो थ्री टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं वही एक रिंग बनाते हैं, उसी को कहते हैं वायलेट रिंग। ये रिंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है नॉन होडकिंस टाइप ऑफ लिम्फोमा में। इस वाले केस में ये रिंग इतनी अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन नॉन होडकिंस टाइप ऑफ लिम्फोमा में आपकी वायलेट रिंग्स ज्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे उसके हम टॉन्सिल देखेंगे, टॉन्सिल लिम्फ नोड देखेंगे, यदि वो एनलार्ज हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तो हम समझ जाएंगे कि वो नॉन होडकिन लिम्फोमा का साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर टू, हिपैटोमिगैली एंड स्प्लीनोमिगैली इज कॉमन। नॉन होडकिन लिम्फोमा में हिपैटिक का एनलार्जमेंट, लीवर का एनलार्जमेंट होना, लीवर का बड़ा होना और स्प्लीन का बड़ा होना, यह अमूमन या अक्सर देखा जाता है, जो इस केस में हो भी सकता हो या ना भी हो, ठीक है, लेकिन इस केस में यह होता है। द थर्ड वन इज वेट लॉस एंड फीवर। इस वाले केस में जो पेशेंट है उसका वेट लॉस एंड फीवर अनकॉमन है, मतलब ये आपको ज्यादातर पेशेंट में ये सिम्टम आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें क्या था, वेट लॉस एंड फीवर वहां पर होते हैं, लेकिन इस वाले केस में वेट लॉस एंड फीवर अनकॉमन है, ठीक है। ज्यादातर पेशेंट में जहां पर आप देखोगे जो वैल्यूर रिंग्स है ये एनलार्ज है, लिम्फ नोड एनलार्ज है, नॉन होडकिन लिम्फोमा के साइंस मिल रहे हैं, वहां पर जो पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा वो लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेंट नहीं लेकर आएगा, ना ही वो कंप्लेंट लेकर आएगा कि मेरा वेट लॉस हुआ है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, जो वेट लॉस एंड फीवर है ये ट्यूबरक्लोसिस का भी एक फीचर है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में नाइट स्वेट्स भी होते हैं। नाइट स्वेट्स आपको सम पेशेंट्स होडकिन लिम्फोमा वाले जो पेशेंट है वो भी बोल सकते हैं कि मुझे नाइट स्वेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वेट लॉस एंड फीवर इज अनकॉमन। यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, नॉन होडकिन लिम्फोमा नोड्स को छोड़कर और रीजन में भी स्प्रेड हो सकता है, दैट्स व्हाई
एक्स्ट्रा नोडल स्पेड, अपने जो नोड्स हैं वहां पर तो होगा ही होगा, जो लिम्फ नोड्स हैं उसको छोड़कर अपनी जगह को तो अफेक्ट करेगा करेगा, साथ साथ में सराउंडिंग अदर्स जो साइट है वहां पर भी जाके अफेक्ट करेगा, जो कि नोडुलर नहीं है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आती हैं, उनको भी अफेक्ट करता है ये। लिम्फेटिक सिस्टम को तो लिम्फेटिक सिस्टम तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ साथ में जो लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर के एरिया को भी नॉन हॉडकिन लिम्फोमा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हॉडकिन लिम्फोमा वर्सेस नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एमडीएमएस के एग्जाम में भी रीड स्टर्नबर्ग सेल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लिम्फोमा एंड टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, रीड स्टर्नबर्ग सेल एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इट्स पैथोलॉजी। ठीक है, आज की जो पैथोलॉजी है थोड़ी डिटेल में हम इसकी पैथोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।